उमरिया में कांग्रेस पार्टी ने किसान आंदोलन के समर्थन में विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली और केंद्र की भाजपा सरकार का विरोध जताया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून वापस लेने के लिए राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि सुधार कानून के खिलाफ रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता ट्रैक्टर लेकर पहुंचे और कानून वापस लेने की मांग की। कृषि कानून को वापस लेने के लिए कांग्रेसियों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। रैली में पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पूरे नगर में घूमकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उधर भाजपा का कहना है कि असल मायनों में 15 महीने से सत्ता सुख भोगने के बाद कांग्रेस अब आने वाले नगरीय निकायों की तैयारी में जुट गई है। कांग्रेस कृषि कानून के बहाने अपनी खो चुकी जमीन तलाशने में जुटी हुई है। कांग्रेस जन मरिया जिले के कोने कोने से आकर, किसान कोने कोने से आकर ये मांग कर रहा है कि जो काला कानून, तीन काला कानून आया है किसानों के विरोध में, केंद्र सरकार द्वारा इसको तत्काल वापस लिया जाए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।